आज हमारे साथ बने हैं जगपाल जी। ये 6 महीने या 3 महीने, छठा महीना चल रहा है और छठे महीने में ये 35,000 रुपीज़ मंथली कमा रहे हैं। तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जानेंगे, ये फुल टाइम में क्या करते हैं और कैसे वेस्टिज में आए, तो ज़रा बताएंगे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जगपाल है और मैं गांव का रहने वाला हूँ, बुलेंसर साइड का। तो मैं यहाँ पर गाजियाबाद में यहाँ पर CFL का काम करता हूँ, जो CFL फुटपाथ पर मैं तखत पर बेचता हूँ। और मैं करीब कई सालों से उस काम को कर रहा था, मगर मैं एक अच्छे काम की तलाश में था जो मैं नहीं मिल पाया। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। गरीब फैमिली की बात करूँ, ये गरीबी को कहना बहुत आसान है, मगर मैं एक बहुत गरीब परिवार से पला हुआ हूँ। मेरे जब पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो मेरा एक सपना था, जब मेरे चाचा ताऊ बहुत पैसे वाले थे तो मेरा एक सपना था कि मैं भी एक चाचा जैसे मैं अपने सपने पूरे करूं। तो मैं इस बिजनेस में आया, मैं आया इसलिए क्योंकि मैं जो काम कर रहा था मुझे उससे वो संतुष्टि नहीं मिली कि जो मैं अपने घर परिवार का खर्चा चला सकूं। अच्छा, आप जो काम कर रहे थे वो CFL पे खुद दुकान लगाते थे, ऐसा था? जी, फुटपाथ पे मैं दुकान लगाता था। अच्छा, तो मेरे दिल में एक चुभन थी कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मेरे परिवार को वो इनकम आ सकती है। मगर मेरे ये दिल ने जवाब दिया कि अगर तू इस दुनिया से चला गया तो तेरे परिवार को वो इनकम नहीं आएगी। मैंने इस बिजनेस को समझा, स्टडी करा और मैं इस लगातार मीटिंग सेमिनार में हिस्सा बना और मैं अपने लोगों को लाता रहा, लोगों को बैठालता रहा। मेरे को सिर्फ यही बताया गया था कि अपलाइन से पूछो कैसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, मिलके कमाओ पैसे। मगर मैंने अपने लोगों को बताना चालू करा और इवेंटों में लाना चालू करा। आज 6 महीने में मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ, इनकम 35,000 प्लस की है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ से मुझे ये लगने लगा है कि शायद मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। अच्छा, जरा ये बताएंगे पहले दूसरे तीसरे महीने कितने कितने इनकम रही आपकी? पहले महीने की इनकम मेरी 241 रुपये थी। अच्छा। और जब क्योंकि मैं नहीं समझ पाया था बिजनेस को, जब मैं बिजनेस को समझा तो मैंने अपने यार दोस्त जो भी थे सबको बताना चालू करा। कुछ लोगों ने मना करा कि ये बेकार के काम है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि जब यहाँ पर लोग कर सकते हैं, एक अनपढ़ आदमी यहाँ से 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, एक अंधे आदमी यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं या गूंगे बहरे भी कर रहे हैं, तो जगपाल तू क्यों नहीं कर सकता इस काम को। और मैंने इस काम का बीड़ा उठाया, मैंने कसम खाई कि मैं इस बिजनेस में कामयाब होकर रहूंगा। ओके, सो आपके मतलब जब आप 6 महीने से काम कर रहे हो, अभी गोल्ड डायरेक्टर हो आप, क्या आपके सामने रिजेक्शंस नहीं आए? क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई बिजनेस करने टाइम? लोग आपको उल्टा सीधा बोलते होंगे या मना भी करते होंगे बहुत सारे लोग? लोग देखो, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम आई, कुछ मेरे यार दोस्त आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मजाक इतना उड़ाया कि यार बेकार के काम है इन चीज़ों में, अपने काम में ही। जहाँ तक कि मेरे घर परिवार में भी इतनी नेगेटिविटी थी कि बेबिजुली का काम पकड़ लिया है तुमने, इनसे कुछ नहीं होना, अपने दो दुकान बैठ करके 200-400 रुपये तो आ जाते हैं। मगर मैं इस बिजनेस को समझ चुका था कि ये मेरी लाइफ को चेंज कर देगा, जो मैंने सपने देखे थे बचपन में वो यहाँ से मैं अचीव कर यानी कर सकता हूँ और मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। अगले महीने मैं स्टार बनना हूँ और मैं 2018 से पहले ही मैं अपनी इनकम को 1,00,000 रुपए से क्रॉस करूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपकी टीम में अभी जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया है, क्या सब आपके पहले से जानने वाले थे या कुछ अननोन भी थे? नहीं, मैं बता दूं, मैंने लोगों को लाना स्टार्ट करा जब बैठाता था CNT मीटिंग VIP वगैरह में, तो लोग उनके जानने वाले और थे, जैसे मेरे दोस्त के जानने वाले और थे, उन्होंने उनको बताया। ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज 6 महीने में यानी कि 2,500-3,000 लोगों की टीम है मेरी। 2,500-3,000 लोगों की टीम जी। है। ओके ओके, तो उनमें से ज्यादातर लोग आपके अननोन ही होंगे, आपके जानने वाले कितने लोग होंगे लगभग? जानने वाले मुश्किल से 10-15 लोग आए और ज्यादातर है लोगों ने मना कर दिया। और अच्छा। आज मेरी हाईएस्ट इनकम को देख करके आज मेरे को फोन कर रहे हैं कि यार काम तो बढ़िया है यार, हमें तो मालूम नहीं था, मगर हमें कैसे करना है, अब बताओ हमें कैसे करना है, यानी लोग आ रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद जतपाल जी। हम इनकी इनकम देख रहे हैं वेस्टिज ऐप पे। ये फर्स्ट मंथ कौन सा था आपका? ये जुलाई में मैंने स्टार्ट करा था। अच्छा,
जुलाई में जो मेरा इनकम आई थी 241 रुपए, 241 रुपए नेट पे पेबल, 241 रुपए जी, जुलाई 2017 की इनकम है या पहले महीने की? ठीक है, अच्छा दूसरे महीने करेंगे फिर इसको? दूसरे महीने की इनकम मेरी, अगस्त की इनकम है मेरी, अगस्त की इनकम है तकरीबन 15,694 रुपए, 15,600, टीडीएस 3,000 कट गया, तो टोटल 10,000, मतलब यानी कि मैंने अपना पैन कार्ड जमा नहीं करा था तो मेरे 3,387 रुपए टीडीएस कटा। ओ माय गॉड, जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त जी। मुझे मालूम नहीं था कि पैन कार्ड जमा करेंगे तो यहाँ पर ये कटते हैं। ओके ओके, अब मेरी थर्ड मंथ, अच्छा सितंबर में जो मैंने काम करा था मुझे ये लगा कि 15,000 रुपए मेरी इनकम हो गई, ये परमानेंट हो जाएगी। अब ये मुझे नहीं मालूम था कि इसमें काम करना है। ओके, मगर तो ये मेरी काम नहीं किया फिर, काम नहीं करा तो ये 1,619 रुपए रह गई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बीवी नहीं हुआ उस महीने मतलब? नहीं, कोई बिजनेस ही नहीं करा, मगर मैं ये समझ गया था कि इसमें लगातार आता रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, मैंने फिर अक्टूबर में काम करा, अक्टूबर की इनकम जो आई मेरी 17,256 रुपए, यहाँ पैन कार्ड जमा कर दिया था मैंने, यहाँ 883 रुपए टीडीएस कटा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अच्छा लास्ट मंथ की देख लेते हैं, लास्ट मंथ की जो इनकम अभी 35,000, लास्ट मंथ की मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, दिसंबर में ये बढ़ती चली गई 14,213 रुपए। ओके, और तुम्हारा जनवरी यानी 18 जनवरी का ये जो मेरा चेक था 15,946, ठीक है, और तुम्हारा फरवरी में जो हाईएस्ट इनकम आई है मेरी 34,280 रुपए, 34,280 रुपए जगपाल सिंह जी का फरवरी में आया है, तो ये हुआ टोटल 6 महीने में, उसमें भी 1-2 महीने आपने काम नहीं करा जी। ओके, करीब 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम मैं ले चुका हूँ। अच्छा ले चुके हो, कैसे? अभी तक, अभी तक टोटल, अभी तक। अच्छा, थैंक यू जगपाल जी।